हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूं, जिसे आप सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। यह 13वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि अब एग्जाम आपके बस दो दिन बचा है, आपके पास टाइम नहीं है एंड EMRS का भी एग्जाम का अब टाइम नहीं है, और आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी वीडियो आप सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, चाहे थ्योरी सेशन देखना, चाहे प्रैक्टिस सेट देखना, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे ऑनलाइनर क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो खासकर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेलों को माना जाता है, क्या माना जाता है? अक्सर लोग उद्देश्य रहित क्रिया मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो यह दमा यानी कि अस्थमा बीमारी के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ी मांसपेशी है, तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। हमारे कुल्हे की और सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस, सबसे छोटी मांसपेशी है कान की स्टेपीडियस, सबसे मजबूत मांसपेशी है निचले जबड़े की मसेटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए, तो कैंप के प्रतिभागियों के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो आकृति प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लीड अप गेम सहायक होता है, तो दोस्तों लीड अप गेम जो है वह सहायक होता है मनोरंजन को उपलब्ध कराना तथा कला को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा अनैरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो वह होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है, तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है एंड पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको 1955 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो थार्नडाइक हैं। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी थी, तो कंडीशनिंग यानी अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन या क्लासिकल थ्योरी दिया था पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोला फेंकने की सेक्टर का कोण कितना होता है? 34-92 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो नीला, पीला, काला, हरा, लाल 5 छन्ने जो है अलग अलग महाद्वीप के प्रतीक हैं, ये दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो HC बक थे। इन्होंने भारत में YMCA की स्थापना 1920 में मद्रास में किए थे। इनको भारत में HC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट शब्द का प्रयोग होता है तो टेबल टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, तो मैंने दोस्तों कई बार आपको बताया था FAR 312। तो दूसरी श्रेणी के लीवर में क्या होगा? 2 किसके नीचे लिखा हुआ है? R के नीचे। R मतलब असिस्ट यानी बाहर, ठीक है। तो पहली श्रेणी में क्या लिखा है? एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। फोर्स यानी बल बीच में होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। यहाँ दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? रेसिस्टेंस जो है बीच में होता है एक्सिस एंड
फोर्स के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रतिरोध जो है आधार तथा बल के बीच में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो काइफोसिस विरूपता को हम गोल कमर भी या कोबड़ा भी कहते हैं, या हंचबैक भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या है? तो बर्फ से उपचार। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा कितनी होती है? तो 20-20 मिनट के दो पारी होती है, और महिलाओं के 15-15 मिनट के दो पारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से प्रथम समूह कौन सा है? तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रथम समूह जो है परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संतुलन निर्भर करता है। तो संतुलन के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वस्तु का आधार जितना ही चौड़ा होगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा, और गुरुत्व केंद्र जितना ही नीचा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे वस्तु के चौड़े आधार पर संतुलन निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है स्कोलियोसिस, जिसका माप स्कोलियोग्राफ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, किन्हीं में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता? तो प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, योगासन करना करता है, बट शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखना पढ़ना नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? तो 1980 मॉस्को रूस में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित नहीं करता? तो तालमेल युक्ता गति अच्छा आसन करता है, विस्फोटक शक्ति नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनान में ग्रीस में मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग क्या है? तो दोनों तरफ सक्रियता, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहेंगे, वो सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है। नेक्स्ट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो दोस्तों जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में इंग्लैंड में लंदन में किया था। उसके बाद 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में YMCA प्रशिक्षण शुरू किया गया था अमेरिका में। उसके बाद SC बक ने अमेरिका से आए हुए थे, विशेषज्ञ थे, और 1920 में मद्रास में भारत में YMCA की स्थापना किया। इसलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है हेनरी क्रोबक को। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। संरचना या स्ट्रक्चर की बात कहा गया तो शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है? तो इस परिभाषा को दिया है स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, मन का रंजन, रिक्रिएशन यानी री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब प्राप्त करना, पुनः निर्माण करना यानी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन में भी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? तो आसन जो है हठ योग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वासन के लाभ क्या है? तो सभी आसनों के करने के बाद स्वासन किया जाता है जो यह शिथिलता आराम प्रदान करती है शरीर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से प्राणायाम नहीं है? तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, उजाई ये तीनों प्राणायाम है, कुंजल आपका प्राणायाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक कुशल प्रशिक्षक का संबंध है? तो एक
कुशल प्रशिक्षक क्या करेगा, त्रुटि को ढूंढेगा और उसको सुधार करने का उपाय सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत प्रयोग किया जाता है? कूद यानी जंप, जितने जंपे होंगे उन सभी में विस्फोटक ताकत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाठ योजना की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? तो यह साधारण और समझने लायक होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, तो यह राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा निर्माण करने के लिए इसको पुनर्जीवित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान था, तो 2000 का जो ग्रीष्म ओलंपिक था वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों पहले जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी किसके हैं? ए फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या बढ़ाने के योग्य है? तो यह बल और गति दोनों बढ़ाने के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं, तो गति के तीसरे नियम को पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग या लाभ एक्सीलरेशन या लाभ मोमेंटम, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के तीसरा नियम, न्यूटन ने तीन नियम दिए थे, तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे, तो प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को टेक्सोटोच बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो फुर्ती से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइविंग करना काम और आनंद है, धूप सेकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो वो है माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी प्रोलाइन पोजीशन में किया जाता है? प्रोलाइन पोजीशन क्या है? पेट के बल लेटा जाता है, जो हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी और इसके जस्ट उल्टा होता है सुपाइन पोजीशन, आसमान की तरफ पीठ के बल लेटकर लेटा जाता है। तो प्रोलाइन पोजीशन में इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे शलभासन जो है प्रोलाइन पोजीशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है? तो अच्छा नेता एक ज्ञानवर्धन होना चाहिए, सही है। उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, ये भी राइट है। वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए, ये भी राइट है। लेकिन वह एक अनन्य शासक नहीं होना चाहिए, उसमें प्रजातांत्रिक भावना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, योग आसनों द्वारा निम्न शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो सभी योगासनों से फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 52 है, फुटबॉल से संबंधित शब्द कौन सी है? तो फ्री किक जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आप सबको पता है 120-80 होता है mmHg। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग के प्रभावित करता है? तो जो ब्राइट्स रोग है यह मनुष्य के तिल्ली यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है, यानी कि यहाँ पे आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 55 है, वातोत्पाद हिस्ट्रिया रोग समांतर किस वर्ग में होता है? तो यह जवान महिलाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो दोस्तों पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज किया था, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, टीवी की बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का
किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का संपूर्ण पाचन क्रिया और अवशोषण दोनों होता है छोटी आंत में। लेकिन पाचन की शुरुआत मुख में ही टैलिन नामक एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से शुरू हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन पूर्ण अवशोषण छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने पर। एंड क्वेश्चन नंबर 62 है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। अगर जोड़ों में पूछेगा तो 23 गुणसूत्र। एंड क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? तो EEG के द्वारा, यानी इलेक्ट्रो इंसेफेसोग्राफ। और जब हृदय की बीमारी को असमानता को किससे पता लगाया जाता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कौन से वर्ष कराए गए थे? तो पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 65 है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है एंड यानी कि जो बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी पावर क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण विटामिन डी का स्रोत होता है। हमारी त्वचा जो है सूर्य की किरणों को प्रयोग करके विटामिन डी का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एड्स का क्या कारण है? तो दोस्तों यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है, यानी वायरस इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंसुलिन एक प्रकार का है? तो इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगेहंस दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, खेल शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि खेल से शरीर का विकास होता है, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, इससे सहन शक्ति बढ़ती है, उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, नायडू ट्रॉफी का संबंध है? तो दोस्तों नायडू ट्रॉफी का संबंध शतरंज से है। सीके नायडू होगा तो क्रिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक किसने लगाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर लगाए हैं 49 शतक। और इसके अलावा सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में भी 51 शतक लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप 2011 का विश्व कप जीता था? तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 73 है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो टायरोसिन नहीं बनाता, जबकि एडेनिन गुआनिन सिस्टोसिन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें ओनली सी सही है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी कि फिल्टर होता है, छाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया एकदम सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम अनंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये जीवित तथा मृत सीमा के रेखा पर होते हैं, तो नहीं होते हैं, ये आपका विषाणु होते हैं। ये जीवित एवं जानवर के सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली फल व
फूल न देने वाली वनस्पति सीमा रेखा पर होती है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं है इसमें, क्योंकि जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है सूक्ष्म जीव होता है और एक कोशिकीय होता है, और इसकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, और जो बैक्टीरिया होता है यही कारण है कि एक घंटे में एक बैक्टीरिया से करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए खनिज आवश्यक होता है कौन, पोटेशियम। और सोडियम जो है आपका रक्तदाब और जल नियंत्रण को करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया है। तो 1985 से दिया जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ कोचों को यानी प्रशिक्षकों के दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है। तो सुमेल कीजिए दोस्तों, यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है और सब सुमेलित नहीं है। निमोनिया जो है वो फेफड़े में होने वाला रोग है जो अत्यधिक ठंड लगने से होता है। यह रोग प्रायः बच्चों में ही होता है। और देखिए मोतियाबिंद किसमें होता है, मोतियाबिंद आंख का बीमारी है, ठीक है। एनेपिलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। मधुमेह जो है अग्राशय ग्रंथि के खराब होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि लंदन ओलंपिक 1908 में हुआ था, राइट है। बर्लिन ओलंपिक 1936 में हुआ था, ये भी राइट है। मास्को ओलंपिक 1980 में हुआ था, ये भी राइट है। बट आपका टोक्यो ओलंपिक 1964 में हुआ था, 60 में नहीं हुआ था। 1960 में आपका रोम ओलंपिक हुआ था, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में क्या सही नहीं है। तो ए है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, तो ए सही है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 5 वर्ष बाद होता है, तो ये गलत है, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद होता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था, ये सही है। तो गलत कौन है आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत ने किस युग में वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन किया था। तो 1951 व 1982 में किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, पोलो खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो 300 गज होती है और चौड़ाई 200 गज। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश का था। तो वह जमैका का है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है वह किससे फैलता है। तो रिनो वायरस से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 87 है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो इसमें ट्रिप्सिन दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सिक्रेटिन हो सकता है, बट यहाँ पर ट्रिप्सिन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, साइनोकोबाल्बिन है। तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन और जल के द्वारा प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है, और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय नली यानी गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी यकृत होती है लीवर, और सबसे छोटी होती है ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है, ओ होता है। ओ आपका रुधिर वर्ग सर्वदाता, ए भी सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ब्यूटाइटिक जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, हार्मोन क्या है इसमें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पुरुष हार्मोन। तो ए का 2 हो जाएगा,
ए का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा एंड एंजाइम क्या है इसमें, लाइपेज एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, तो बी का वन हो जाएगा एंड फास्फोलिपिड लेसिथिन सी का थ्री हो जाएगा, बहुलक जो है वह पॉलीथीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है तो यकृत में होता है, खासकर विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है और यह विटामिन वसा में विलेय एवं शरीर की वृद्धि और सहायक होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पे भी सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है, तो शुष्क बर्फ जो है वह किससे रिलेटेड है, ए का थ्री हो जाएगा, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, बी है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का फोर हो जाएगा, ये रक्त रोगों का उपचार किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा, ठीक है। सी है क्रायोनिक्स, सी का टू हो जाएगा जो पुनर्जीवित करने हेतु तो जीवित पिंडों का जमना होता है, डी है कोबाल्ट 60, यह क्या करता है कैंसर रोगों का पता उपचार करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है, तो दोस्तों कैल्सिफेरॉन यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता, तो पित्त ज्वर डेंगू मलेरिया तीनों मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि प्लेग जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है, यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जीव अंतः छेपक होता है, तो जीव अंतः छेपक एक चिकित्सा पद्धति है जो वेदना रहित और सुई विहीन अंतः छेपक होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाई गई थी, तो 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में जलाया गया था, और आधिकारिक रूप से कब जलाया गया था, 1936 बर्लिन ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा युग यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इन चारों में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर भारत में है। क्वेश्चन नंबर 103 है, यहाँ पे सूची वन को टू के साथ आपको मिलाना है, मलेरिया जो है जो मलेरिया है वह रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को नष्ट करता है, तो ए का फाइव हो जाएगा, फाइलेरिया जो है वो लसिका ग्रंथि को नष्ट करता है, बी का फोर हो जाएगा, एंजीफेलाइटिस जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सी का टू होगा, ल्यूकीमिया बोन मैरो को प्रभावित करता है, तो डी का वन होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में पाया जाए, तो मलेरिया और डेंगू दोनों में ज्वर होता है, मच्छर के काटने से फैलता है, मानव में फैलता है, मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि मच्छर तो काटने से फैलता है बट अलग अलग, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से और जो डेंगू होता है एजिप्टाई मच्छर काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, थायमिन क्या है, तो दोस्तों थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल कृमि यानी नीम टोड से होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 107 है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावी अंग कौन सा है, तो वह है आपका मस्तिष्क, और सबसे अधिक प्रभाव आंखों पर पड़ता है, उसके बाद हृदय आंत आदि अंगों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है,
कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, तो ए राइट है। कारण आर है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, तो एकदम गलत है क्योंकि हरा पदार्थ हरित लवक जो है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबाल्ट रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो ए का 2 हो गया। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। एंड पीतल जो है तांबा जस्ता से मिलकर बना होता है, D3 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति कैसी हो जाती है, तो जो भी हम कोई कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जब करते करते थक जाते हैं तो उस समय रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हम ज़्यादा हाँफने लगते हैं, तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न निम्न 3 संचरणीय रोग होते हैं, यानी संक्रामक रोग, तो वो है आपके मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है, यानी पोटेशियम की कमी से निम्न में से कौन होता है, तो गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा हो जाता है। गुर्दा यानी किडनी की क्षति होती है, अब पेशी का लकवा होता है पोटेशियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो विटामिन B12 ऐसा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, आपको मिलान करना है इसमें भी, एक तरफ आपको रेडियो समस्थानिक पदार्थ दिया है और दूसरी तरफ उसके निदान सूचक उपयोग वाला पदार्थ दिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्सेनिक 74। यह क्या करता है, यह ट्यूमर का पता लगाता है। और कोबाल्ट 61 यह क्या करता है, यह कैंसर का पता लगाता है। आयोडीन 131 यह क्या करता है, यह आयोडीन थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाता है। सोडियम 24 यह क्या करता है, रक्त व्यतिक्रम का पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन लौह होता है, इसमें यह रक्त के ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यहाँ पे 1, 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा तो WBC करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्ष 2002 का फुटबॉल, वर्ष 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वह दोहा कतर में आयोजित किया गया है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। एंड फीफा वर्ल्ड कप प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 13 जुलाई 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में आयोजित किया गया था, और 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत ने किस वर्ष हॉकी का एकमात्र वर्ल्ड कप जीता है, वह है 1975 ईस्वी। यह विश्व कप मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, तो इंग्लैंड में 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, फीफा वर्ल्ड कप का मुख्यालय कहाँ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप
यानी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। प्रथम अध्यक्ष रॉबर्ट ग्यूरिन फ्रांस के थे, वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ पे स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 121 है, लेसर बीम का उपयोग होता है। तो दोस्तों लेसर बीम का उपयोग आँखों के चिकित्सा के लिए होता है, यानी आँखों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन में इसका इलाज के लिए किया जाता है लेसर बीम का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 122 है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्न कथनों में से दिए गए से सही उत्तर चुनिए। रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन में लौह होता है, तो यह सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है क्योंकि यह WBC करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह सही है। तो 1, 2 और 4 राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123 है, कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या है एक? तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक स्टेरॉयड होता है। क्या होता है? एक स्टेरॉयड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है रक्त में पाए जाने वाला पीले रंग का एक मोम जैसा पदार्थ, वसीय पदार्थ होता है। यह पदार्थ जब रक्त में अधिक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो रक्त नलिकाओं में थक्का सा बनकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 124 वही क्वेश्चन है, 122 वाला। 125 क्वेश्चन है आपका कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, यानी रक्त लेने की, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो कोई बीमार व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त है, हम उसको ये नहीं चेक करने का समय नहीं है कि कौन सा ग्रुप का है, तो उसको कौन सा ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो सर्वदाता जो रहेगा सबको दे सकता है, तो ओ ग्रुप का उसको तुरंत दिया जा सकता है बिना जांच किए। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का 125 क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए जय हिंद।